वेलकम बैक एक बार फिर आप सबको, संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। भाई देखिए, जॉर्जिया में नॉन वेजिटेरियन खाना तो बहुत होता है, लेकिन एक जो सब्जी है वो बहुत खाते हैं और वो है बैंगन। अब बैंगन के साथ में अखरोट भी खाते हैं, बैंगन को ऐसे भी खाते हैं, बैंगन को सौते करके खाते हैं, बैंगन का भरता बना के खाते हैं, बैंगन की सब्जी खाते हैं, सौते करके खाते हैं, ठंडा खाते हैं, गर्म खाते हैं, खट्टा खाते हैं, मीठा नहीं खाते। खैर, ये जो बैंगन की सब्जी है ये आपने देखा होगा बहुत, नहीं आपने कहाँ देखा होगा, मैंने देखा है बहुत जगह वहाँ पर मिलती है। तो इसके लिए क्या करते हैं, वो तेल लेकर ये जो बैंगन है इसको काटना है, और बैंगन को आप काटने के लिए, लंबा वाला बैंगन ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो उसे बैंगन लेकर करीब इस तरह से आप काट लें। और ये बैंगन ये बनाने के लिए ये तेल ले लें, और तेल को गरम करना है, और फिर बैंगन लेकर इसमें डाल देते हैं, पकने देते हैं। और बैंगन जब तक पकता है तब तक ज़रा कुछ और चीज़ें मुझे चाहिए इसमें। अच्छा, पार्सले चाहिए, फ्रेश पार्सले, और ये लीजिए, चलिए ये बेजल ये ले लिया, और इसको रफली चॉप किया, जो पार्सले है इसको भी रफली चॉप कर लेते हैं हम। और ये लीजिए ये बेजल और पार्सले, और अब ये जो है हमारे पास सब्जियां, इसमें देखिए, हाँ ये ले लिया, इसके साथ साथ इसमें आलू भी, ये आलू लिए, इसमें डाल देते हैं ये नमक, इसको जरा पकने देते हैं। चलिए ये हो गया आलू और बैंगन। तो ये जो पेपर्स हैं, ये तीन तरह के पेपर्स, पीले हरे और लाल, ये इसके अंदर, ये लीजिए पीले हरे और लाल। अब देखिए इसमें जो कट है ये स्लाइस किया हुआ, इसका मतलब है कि जो आलू और बैंगन है उसका तो पूरा पता चलना चाहिए, और ये जो है ये इसके छोटे स्लाइस किए हुए पीसेस। तो हर खाने की अपनी अपनी कुछ खासियत होती हैं। अब इसके अंदर ये प्याज, अब देखिए नॉर्मली हम जब प्याज और लहसुन वगैरह हैं वो पहले ही डाल देते हैं, लेकिन वहाँ पर जॉर्जिया में देखा मैंने कि वो जो प्याज वगैरह हैं, लहसुन और मिर्च जो है वो तो एकदम बाद में डालते हैं। तो प्याज डालकर इसको पकने देते हैं कुछ देर तक। इसमें जो आलू हैं वो पकने चाहिए, और इसमें हमें टमाटर भी डालने हैं, और टमाटर ज़रा ज़्यादा डालेंगे, टोमेटो पेस्ट या टोमेटो प्यूरे वो भी डलेगा, लेकिन अभी नहीं, अभी तो इसको पकने देते हैं। अब ये जो है मुझे लगता है सब्जियाँ, वाह, और इसमें लाल मिर्च पाउडर या पेपरिका पाउडर, ज़्यादा नहीं, नमक मुझे लग रहा है थोड़ा सा कम लग रहा है, और इसमें अभी और चीज़ें जो डलनी हैं वो है टमाटर, ये देखिए टमाटर इसके अंदर, और उसके साथ साथ थोड़ा सा टोमेटो प्यूरे ये ले लिया, और अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। बैंगन के साथ में ये सारी सब्जियां, और अब वाह, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है सब्जियों की, फ्रेश सब्जियों की, और इसको पकने देते हैं ताकि ये सब्जियां पूरी तरह से गल जाएं, ख़ासतौर से इसमें जो आलू हैं वो पूरी तरह से पक जाएं, और फिर इसमें ये ढेर सारी जो चीज़ें हैं हमारे पास, ये ग्रीन्स, इसके साथ साथ इसमें हरा धनिया भी डालना है मुझे, तो हरा धनिया ये ले लेते हैं। तो इसमें हरा धनिया, उसके साथ साथ पार्सले, बेजल, ये सब चीज़ें डलेंगी, तो ये इसको भी रफली चॉप कर लेते हैं। ये ग्रीन्स, ये देखिए तीनों ग्रीन्स,
ये बस जब डलेंगे उसके साथ साथ इसमें थोड़ा सा लहसुन और हरी मिर्च भी, ये चीज़ें डालेंगे और इसको फिनिश करेंगे। अब ये जो सब्जियां हैं इसको चेक कर लेते हैं। वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। और इसमें अगर तीखापन, थोड़ी सी हरी मिर्च, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लहसुन, ज़्यादा नहीं, और उसके साथ साथ ये पार्सले, धनिया, बेजल, ये देखिए ये ढेर सारे ग्रीन्स डाल के इसको अब मिक्स कर लेते हैं। और ये जो सब्जी है ये तैयार। क्या खुशबू आ रही है। ये सब मिलाने के बाद अब इसे बंद, गैस भी बंद, और ये जो सब्जी है ये तैयार। हाँ, नाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन नाम में क्या रखा है, आलू, बैंगन, उसके साथ साथ पेपर्स यानी शिमला मिर्च, हरे पीले और लाल की सब्जी है टमाटर के साथ में। बिल्कुल बनाइए, खाइए। अब फ्लेवर के लिए धनिया, पार्सले और बेजल, मतलब इतनी सारी चीज़ें एक चीज़ के अंदर, तो पार्टी के लिए परफेक्ट जॉर्जियन स्टाइल में। सब्जी है, वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन। पूरे एपिसोड में मीट का नामो निशान नहीं, तो जाइए जॉर्जिया में देखिए क्या चल रहा है। अजापसंदली बनाने के लिए 3 से 4 लंबे बैंगन, 3 मध्यम आलू छीलकर बड़े टुकड़े किए हुए, 4 बड़े चम्मच तेल, 15 से 20 ताजे बेजिल के पत्ते, आधा मध्यम गुच्छा ताजा पार्सली, नमक स्वादानुसार, आधा मध्यम लाल शिमला मिर्च स्लाइस की हुई, आधी मध्यम हरी शिमला मिर्च स्लाइस की हुई, आधी मध्यम पीली शिमला मिर्च स्लाइस की हुई, 2 मध्यम प्याज स्लाइस किए हुए, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 4 मध्यम टमाटर कटे हुए, 2 बड़े चम्मच टोमेटो प्यूरी, कुछ ताजा हरा धनिया, 1 हरी मिर्च कटी हुई, 4 लहसुन की कलियां कटी हुई। अजापसंदली बनाने के लिए एक पैन में तेल गरम करें, बैंगन के बड़े क्यूब्स डालकर पैन में डालें और भूनें, बेजिल और पार्सली को दरदरा काटें, पैन में आलू और नमक डालकर मिला लें, ढककर 3 से 4 मिनट तक पकने दें, तीनों शिमला मिर्च डालें और मिला लें, ढककर 2 मिनट तक पकाएं, अब प्याज डालकर मिला लें और 2 मिनट पकाएं, लाल मिर्च पाउडर, नमक, टमाटर, टोमेटो प्यूरी डालकर मिला लें, फिर से ढककर 2 मिनट पकाएं, हरा धनिया काटे, अब डालें हरी मिर्च, लहसुन, पार्सले, हरा धनिया और बेजिल और अच्छी तरह मिला लें, ढककर अच्छी तरह पका लें और गर्मा गर्म परोसे। यदि आज आपने हमारी को रेसिपी मिस की है तो आपको चुनी रेसिपी मिल सकती हैं गृहलक्ष्मी मैगजीन के अंदर। आज के एपिसोड में कुछ रह गया हो तो sanjeevkapoor.com हमारी वेबसाइट पर, वहां पर जाएं, नहीं तो foodfood.com पर भी आप जा सकते हैं। सारी की सारी रेसिपीज, टिप्स एंड ट्रिक्स, बहुत कुछ आपको मिलेगा। उसके साथ साथ facebook.com/foodfood पर भी आप जाकर बहुत सारी चर्चा कर सकते हैं, मिल सकते हैं लोगों से, और काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल सकती है। उसके साथ साथ आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @chefkapoor पर। और आज की जो रेसिपीज़ हैं जॉर्जिया से सिर्फ आपके लिए, और ये जो रेसिपीज़ थी इसको हमने ट्राई किया है आपके लिए। जितनी रेसिपीज़ होती हैं वो ट्राई होती हैं ताकि आपके घर पे वो रेसिपीज़ फेल ना हो। आप अपनी ट्राइड रेसिपीज़ हमें भेज सकते हैं, उसको हम फिर ट्राई करेंगे, आपके साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर आकर लोगों के साथ शेयर करना चाहें तो ज़रूर लिखें, ये इंटरेक्शन इस तरह से चलता रहना चाहिए। आज तो जॉर्जिया में आपको लेके गया, कहीं और भी लेके जा सकता हूँ, कभी अफ्रीका लेके जा सकता हूँ, कभी सिंगापुर, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी US, कनाडा, बहुत जगह हैं जाने वाली। हिंदुस्तान में भी काफ़ी सारी जगह हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपके पास में आऊँ, कहाँ पर चाहते हैं कि मैं आपके साथ आकर खाना बनाऊँ, ज़रूर लिख कर भेजें। अगर आप मेरी तरह से सिंप्लिसिटी में बिलीव करते हैं तो जल्दी से अपनी सबसे सिंपल रेसिपी, लेकिन क्रिएटिव रेसिपी भेज दीजिए। इनमें से सबसे सेंसिबल रेसिपी को हर हफ्ते मिलेगा फिलिप्स की तरफ से एक शानदार गिफ्ट हैम्पर। बस फटाफट नीचे लिखे हुए ईमेल एड्रेस पर अपनी सबसे सेंसिबल रेसिपी भेज दीजिए। मैं इंतजार करूंगा फॉर द मोस्ट सिंपल एंड सेंसिबल वन।